गाइस आज के इस वीडियो में हमारे पास यहाँ पर है दो इस तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स के कैंस और साथ ही गाइस यहाँ पर है कास्टिक सोडा। अगर आपने हमारा पिछला कास्टिक सोडा वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो कास्टिक सोडा होता है वो एल्यूमिनियम को डिस्ट्रॉय कर देता है। जी हाँ गाइस, और जैसे कि हम सभी जानते हैं ये जो कैंस होती है वो भी एल्यूमिनियम से बनी होती है। इसलिए मैंने सोचा क्या होगा अगर हम ये जो कैंस है उन्हें इन कास्टिक सोडा के अंदर डालेंगे तो। जी हाँ गाइस, इसका जो रिजल्ट है ना वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलो गाइस हमारे इस अमेजिंग से एक्सपेरिमेंट को करना स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पर है हमारी कोको कोला की कैन। जी हाँ गाइस, यहाँ पर हम एपी फिश के कैन का यूज ना करके इस कोको कोला के कैन का यूज करेंगे। गाइस यहाँ पर हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक इस तरह के किसी भी टेप की, जिससे हम सिंपली इस कैन के टॉप वाले पार्ट को कवर करेंगे, क्योंकि गाइस हमें इस कैन का जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसे एज इट इज रखना है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जो कैन का ऊपर वाला पार्ट है उसे कवर कर लिया है। गाइस अब हमें सिंपली जो कैन का नीचे वाला पार्ट है ना उसे अच्छी तरह से घिसना है, जिसके लिए हम सिंपली इस तरह के शाइन पेपर का यूज करेंगे, ताकि गाइस जो कैन का कलर है ना वो पूरी तरह से रिमूव हो जाए। तो चलो गाइस इसे घिसना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो कैन है उसका कलर ऑलमोस्ट पूरी तरह से निकल चुका है। अब हम सिंपली ये जो हमारा टेप है उसे भी निकाल लेंगे। गाइस अब हमें यहाँ पर सिंपली जरूरत पड़ेगी एक इस तरह के किसी भी प्लास्टिक के जार की, और यहाँ पर है हमारा कास्टिक सोडा, जिसे हमें सिंपली इस प्लास्टिक के जार के अंदर डालकर उसमें थोड़ा सा पानी को ऐड करना है और फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन है वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से रेडी हो चुका है, जिसमें अब हमें सिंपली ये जो हमारी कैन है ना उसे डालना है। बट गाइस उससे पहले हम ये जो हमारी कोको कोला की कैन है ना उसे ओपन कर लेंगे, ताकि जो हमारी कोको कोला की कैन है वो प्रेशर की वजह से ना फटे, जिसे हम इस स्ट्रिप की मदद से इस प्लास्टिक जार के ऊपर कुछ इस तरह टांग देंगे। अब हमें सिंपली इस जार के अंदर वाटर को ऐड करना है, ताकि जो हमारा सॉल्यूशन है वो पूरी तरह से कैन को कवर कर ले। इतना काफी है। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जिसका साउंड आप क्लियरली सुन सकते हो। गाइस यहाँ पर ऑलमोस्ट आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है, और आप जैसे कि देख सकते हो जो हमारा सॉल्यूशन था वो पूरी तरह से व्हाइट से ब्लैक हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर ऑलमोस्ट डेढ़ घंटा कंप्लीट हो चुका है, और जो हमारी रिएक्शन थी वो भी पूरी हो चुकी है। गाइस अब हमें सिंपली जो हमारी कैन है ना उसे जार से बाहर निकालना है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड था उसने पूरी तरह से एल्यूमिनियम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। बट गाइस मुझे लगता है कि जो कैन की प्लास्टिक की लेयर थी ना वो भी फट चुकी है, जिसके कारण हम सिंपली इस कैन को जो है ना इस ग्लास के अंदर खाली कर लेंगे।
गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।